शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चाचा तूने ठीक ही कहा था, वक्त वाकई हमारे साथ है। अब एक इसे मारने आएगा और दूसरा बचाने, और हमें दोनों ही चाहिए। आओ चाचा। भीमा, जसवंत, रामू, कलवा, इधर आओ। और देखो, आप समझते क्यों नहीं? छोटे को इस वक्त जागीर के बाहर भेजने का मतलब यह होगा कि वो बेकसूर नहीं, कसूरवार है। और दूसरे ये कि मैं उसकी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी की हिफाजत मैं खुद कर सकता। तुम चुप रहो। जब बड़े बात करते हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे विक्रम से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए विक्रम। मैं छोटे की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता, उसे जाने दो। मेरी ये बात तुम हुक्म समझकर मान लो। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं पूछता हूं, आपका भरोसा मुझ पर से क्यों उठ गया? मैं जानता हूं पुराना दोस्त नए दुश्मन का भेष बदल कर सांप की तरह डर। विक्रम से विक्रम सिंह, आओ, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। इस लाश को अच्छी तरह देख लो, जो तुम्हारे छोटे भाई के जुर्म की एक नई दास्तान सुना रही है। बुलाओ अपने दादा को, जिसकी सच्चाई पे तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है, और कहो उससे कि इस मुर्दे की आंखों से आंखें मिलाकर फिर कोई नया झूठ बोले, फिर कोई नया फरेब देने की कोशिश करे, ताकि उसकी बुजुर्गी का भरम भी रह जाए और तुम्हारे इंसाफ का बोल भी न खुलने पाए। पूछो उससे अपने नालायक पोते को चंद दिनों की जिंदगी और देने के लिए, और कितने बेगुनाहों को बलि बचाने का इल्जाम अपनी बूढ़ी गर्दन पे ले सकेगा। बुलाओ उसे इस हकीकत की रोशनी में, ताकि सारी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाई दे और तुम्हारी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा भी हट जाए। सुनने की ताकत हो तो अपने भाई के गुनाहों की कहानी मुझसे सुनो। ठाकुर विक्रम सिंह, उसका पहला जुर्म यह है कि उसने कुंदन की बहन की इज्जत लूटी। उसका दूसरा जुर्म यह है कि वो मेरी बहन का कातिल है, और अपने तीसरे शिकार कुंदन को खत्म करके उसने यह समझ लिया कि वो अपने तमाम जुर्मों पर पर्दा डालने में कामयाब हो गया है। लेकिन देखो, कुदरत का इंसाफ देखो ठाकुर विक्रम सिंह, कि आज तुम्हारे भाई के चौथे और आखिरी जुर्म ने उसके तमाम पिछले जुर्मों से पर्दे उठा दिए हैं। और से देखो ठाकुर, इन बेजान मुर्दा हाथों में आज भी कातिल की वो निशानी जिसे तुम या तुम्हारा दादा नहीं झुटला सकता, जिंदा सबूत के तौर पे मौजूद है। जो चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि तुम्हारा भाई मुझ
मुजरिम है, कातिल है, खूनी है, हत्यारा है। दादाजी, ये क्या किया आपने? विक्रम, जो आंखें किसी से मिलाने के काबिल न रहे उनका बंद हो जाना ही अच्छा। बेटे बेटे, मुझे माफ माफ। दादाजी, ये दोस्ती का हाथ है। इस वक्त तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी जरूरत है। आओ। शाबाश। तेरा चाचा। चाचा, तूने ठीक ही कहा था। वक्त वाकई हमारे साथ है। अब एक इसे मारने आएगा और दूसरा बचाने। और हमें दोनों ही चाहिए। आओ चाचा। भीमा, जसवंत, आओ, कलवा, इधर आओ, और देखो। Thank you.
याद है हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि आज तक किसी मां ने वो सूरमा पैदा नहीं किया जो हमारे जीते जी हमारे भाई को रामगढ़ की सरहद से बाहर ले जा सके। अपने चारों तरफ अच्छी तरह देख ले, तू भी हमारी सरहद में खड़ा है और हमारा भाई भी जिंदा सलामत हमारी सरहद में खड़ा है। विक्रम सिंह, जो मैं तेरे सारे पहरे तोड़कर उसे यहां तक ले आया हूं, तो फिर दो चार कदमों का फासला मेरे लिए क्या फासला है? कोई बड़ी बात नहीं, जितनी मर्जी गोलियां चला ले ठाकुर, आज मैं भी सर पे कफन बांध कर आया हूं। इस धर्म युद्ध में मेरी मौत तो हो सकती है, मेरी हार नहीं हो सकती। मेरा रास्ता छोड़ दे ठाकुर, आज मैं तेरे भाई को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मौत और जिंदगी का फैसला करने का हक पिछली सात पुश्तों से सिर्फ हमारे पास है। फैसला करने का हक सिर्फ मुंसिफों को होता है ठाकुर, तुम जैसे बेइंसाफों को नहीं। तुम्हारे इंसाफ के तो दो तराजू हैं, एक दुनिया वालों के लिए और दूसरा अपने इस भाई के लिए। प्रताप सिंह, हमारे इंसाफ पर शक करने की जुर्रत पहली बार तुमने की है और इसका अंजाम तुम नहीं जानते क्या हो सकता है। रामगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है और हमेशा रहेगा कि ठाकुर विक्रम सिंह के इंसाफ के दो नहीं सिर्फ एक तराजू है, जिसके एक पलड़े में जिंदगी और दूसरे पलड़े में मौत। भैया नहीं, कोई भाई भाई नहीं, कोई भाई भाई नहीं। इस वक्त तेरा मेरा रिश्ता एक मुजरिम और मुसरिफ का है, सिर्फ एक मुजरिम और मुसरिफ का। माफ करना मेरे दोस्त, दादाजी के एक झूठ की वजह से इंसाफ करने में थोड़ी देर हो गई। देख लो प्रताप, इंसाफ आज भी हमारी हद के बाहर नहीं गया, हमारी हद के बाहर नहीं गया।